अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो जितना टर्म ब्रैकेट में लिया हो उसे फिर से लेट कर लीजिए, बात बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, चैप्टर लिया इंटीग्रेशन। एक छोटा सा यूनिक सा क्वेश्चन लिया है। वैसे जब क्वेश्चन के मैं दो तीन चार स्टेप लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन को देखकर एकदम बच्चों का दिमाग नहीं चलता है, लेकिन जहां मैंने दो तीन स्टेप लिखे आप समझ जाओगे ये कौन सा वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं लॉजिक क्या है। ऐसा क्या लेट लें, आप वो लेट न्यूमिनेटर में लो या डिनोमिनेटर में लो, लेकिन उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमिनेटर में ही दिखना चाहिए। तो आपको न्यूमिनेटर में कॉस एक्स दिख रहा है, तो सोचो कि कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? पक्की बात साइन एक्स का। तो साइन एक्स लेट ले लीजिए, अपने आप आपका बात बन जाएगा। तो चलिए मैंने क्या लिखा, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कीजिए तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, उसकी जगह तो मैं डी टी लिख दूंगा, होल अपॉन नीचे क्या आ गया, साइन एक्स को टी माना हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स, तो ये अंडर रूट टी। अब जरा देखना क्या ये आपका किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करना क्या अगला स्टेप पर, रूट टी को कॉमन ले लीजिए। अब क्वेश्चन आइज होता है कि सर यहाँ टी के पास रूट टी थोड़ी ना है, तो टी को क्या लिख सकते हो, रूट टी इंटू रूट टी नहीं लिख सकते, तो बस आ गया रूट टी कॉमन। तो वन अपॉन रूट टी कॉमन लिया, ब्रैकेट रूट टी प्लस वन और डी टी। अब दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, ऐसा कोई टर्म लेट ले जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, हमने वो टर्म साइन एक्स लेट ले लिया। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो जितना टर्म ब्रैकेट में लिया हो उसे फिर से लेट कर लीजिए, बात बन जाएगी। ब्रैकेट में क्या लिखा है, रूट टी प्लस वन, तो इसी को लेट करते हैं। तो लेट रूट टी प्लस वन इज इक्वल टू यू, तो इस रूट टी को हम क्या लिख दें यहां पर, क्या हम इसे टी की पावर हाफ लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं, लगाइए डेरिवेटिव करिए एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन का हो गया जीरो, तो डी टी इज इक्वल टू डी यू। जरा सही से लिखते हैं इसको, तो अगला स्टेप क्या आएगा, तो वन बाय टू टी की पावर माइनस हाफ डी टी इज इक्वल टू डी यू। नाउ ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी रूट टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब देखो वन अपॉन रूट टी डी टी, तो वन अपॉन रूट टी और डी टी, ये टू नहीं चाहिए, टू उधर ले जाइए, तो डी टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू टू डी यू। बस इस वैल्यू को यहां अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, बात बन जाएगी। तो आई इज इक्वल टू टू डी यू, मतलब डी टी अपॉन रूट टी, डी टी अपॉन रूट टी की जगह तो ये आ गया, नीचे रूट टी प्लस वन बच रहा है जिसको मैंने यू लेट लिया था, तो ये लीजिए यू आ गया डिनोमिनेटर में। अभी डायरेक्ट किसका इंटीग्रेशन है, वन अपॉन यू डी यू, तो ये लॉग यू का है, तो लॉग यू और प्लस का सी। ध्यान रखिएगा जब भी लॉग टर्म लेंगे तो उसे मॉड में रखिएगा। अब यू को जो आपने सब्स्टिट्यूट करना है वो देखो क्या लेट लिया गया है, यू यू लेट लिया गया है रूट टी प्लस वन और प्लस सी, और चेक करो टी भी तो लेट लिया हुआ है, टी को लिया हुआ है साइन एक्स। चलिए वो भी पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू टू लॉग मॉड के अंदर अंडर रूट का साइन एक्स प्लस वन और प्लस का सी। ये लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।